तो यो लो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर क्रेजी वीडियो फॉर क्रेजी गेमर विक्की, एंड मैं हूं आपका फ्रेंड क्रेजी विक्की। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था जिसमें मैंने बंदों से पूछा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लेके आऊं, कार98 टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर लेके आऊं, अपना हैंड गेम के ऊपर लेके आऊं, या फिर M1040 हैशटैग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर लेके आऊं। तो वहां पे गाइस लगभग 51% बंदों ने कमेंट करा है, वोट करा है कि भाई अब कार98 के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आओ। इसी वजह से गाइस मैं कार98 के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको 3 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। एंड गाइस, अगर आप इन 3 टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो, तब आप अपने कार98 को पहले से कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से चला पाओगे। आपकी कार98 की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी एंड कार98 की रिलोड स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गाइस, ये कार98 के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलो गाइस, अब हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको टिप नंबर फर्स्ट में बताऊंगा कि आप किस तरीके से कार98 गन की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। एंड गाइस, आई प्रॉमिस, अगर आप मेरे टिप नंबर फर्स्ट को फॉलो करते हो एंड अपने गेम प्ले में इंक्लूड करते हो, तब आपका कार98 का एक्यूरेसी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कार98 गन का एक्यूरेसी को बढ़ाना है, एंड जैसे मैं स्टार्टिंग में बंदे को मार रहा था, अंधाधुन कहीं भी गोली चला रहा था, बंदे को लग जा रहा था, अगर आपको वैसे बंदे को मारना है, तो उसके लिए आपको अपना कस्टम HUD में एक छोटा सा बदलाव करना है। गाइस, आपको करना क्या है, आपको अपना पैट वाला आइकन होता है या फिर जो आपका इमोट वाला आइकन होता है, उसे पकड़ना है एंड जहाँ पर मैं अभी सेट कर रहा हूँ वहाँ पर सेट कर देना है। गाइस, पैट वाला आइकन या फिर इमोट वाले आइकन को वहाँ पर सेट करने से होगा क्या, यह आपके एम का काम करेगा। लाइक गाइस, जैसा आपको तो पता ही है, जब आप कार98 चलाते हो या फिर AWM चलाते हो, तब आपको कोई एम का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको अपने अंदाजे से गोली चलाना पड़ता है। जब आप गोली चलाते हो, तब आपको यह पता नहीं होता कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो ये गोली एनिमी को लगेगा या नहीं लगेगा। बट गाइस, अभी जो मैंने आपको टिप बताया, अगर आप इस टिप को फॉलो करते हो एंड अपना जो इमोट वाला आइकन होता है, फिर पैट वाला आइकन होता है, उसे उस जगह पे सेट कर देते हो जहाँ पे मैंने अभी सेट करा है, उससे गाइस होगा क्या, वो आपके एम का काम करेगा एंड जब आपके सामने बंदा आएगा, तब आप अपने इस पैट वाला आइकन या फिर इमोट वाला आइकन को उस बंदे पे लेके जाना, तब आप फायरिंग करना, 100% गोली उस बंदे पे जाके लगेगा। आई होप सो गाइस, आपको कार98 की एक्यूरेसी बढ़ाने के ऊपर टिप नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब गाइस, अगर हम बात करें टिप नंबर फर्स्ट के बाद टिप नंबर सेकंड की, गाइस ये वाला टिप भी हमारा कार98 का एक्यूरेसी बढ़ाने के ऊपर ही है। एंड मुझे पता है कि वाला टिप किसी को पता भी नहीं होगा। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा फ्री फायर गेम का OB20 का अपडेट आया था, जिसमें हमें कार98 का एक नया अटैचमेंट मिल रहा था जिसका नाम है बायोमेट्रिक स्कोप। फ्रेंड्स, बहुत सारे बंदे को बायोमेट्रिक स्कोप के बारे में नहीं पता एंड वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। बट गाइस, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप कार98 में बायोमेट्रिक स्कोप लगा लेते हो ना, तब आपका वो AWM से भी अच्छा चलता है, यानी कि तब आपका कार98 बेस्ट हो जाता है। मैं तो गाइस ऐसे ही करता हूँ, जब मुझे कार98 मिलता है एंड बायोमेट्रिक स्कोप मिलता है, तब मैं अपना AWM को फेंक देता हूँ, अपना कार98 को उठा लेता हूँ एंड साथ में MP40 चलाता हूँ, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो गाइस, आप सोच रहे होगे कि मैं बायोमेट्रिक स्कोप को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ एंड बायोमेट्रिक स्कोप का टिप नंबर 2 से क्या रिलेशन है। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा टिप नंबर 2 ही बायोमेट्रिक स्कोप है। यानी कि गाइस, मैं आपको टिप नंबर 2 में ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप कार98 चलाते हो, तब आपको अपने कार98 में बायोमेट्रिक स्कोप लगाना नेसेसरी है। बिना बायोमेट्रिक स्कोप के कार98 चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड गाइस, मुझे सिर्फ बायोमेट्रिक स्कोप के वजह से ही कार98 अच्छा लगता है AWM से, इसी वजह से मैं कार98 चलाता हूँ जब मुझे बायोमेट्रिक स्कोप मिलता है। एंड मैं क्यों चलाता हूँ, मैं इसका आपको रीज़न बताना चाहता हूँ। गाइस, कार98 में बायोमेट्रिक स्कोप लगाने से कार98 की एक्यूरेसी 99% तक बढ़ जाती है। यानी कि गाइस, कार98 की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड कार98 की एक्यूरेसी बढ़ने के कारण, जब आपके सामने कोई एनिमी आता है एंड आप फायरिंग करते हो, तब वो गोली एनिमी को जाके ही लगती है, मिस नहीं होती। एंड गाइस, अभी जो आप स्क्रीन पे क्लिप देख रहे हो, जिसमें मैं कार98 से विदाउट स्कोप करके मार रहा हूँ, ये सब गाइस मैं पॉसिबल कर पा रहा हूँ बायोमेट्रिक स्कोप के वजह से। अगर मेरे गन में बायोमेट्रिक स्कोप नहीं लगा होता, तब मैं ऐसे विदाउट स्कोप अंधाधुन किसी भी बंदे को नहीं मार पाता, मेरी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसी वजह से गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप कार98 यूज़र बनना चाहते हो, तो आपको अपने कार98 में बायोमेट्रिक स्कोप लगाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक स्कोप लगाने से आपके कार98 की एक्यूरेसी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है।
ये तो गाइस अभी हमने बात की अपना टिप नंबर 2 का, जिसमें मैंने अभी आपको कान 98 का एक्यूरेसी बढ़ाना सिखाया। तो गाइस अगर अब हम बात करें टिप नंबर 3 का, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, टिप है, अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करते तब तक आपका टिप नंबर 1 या 2 देखने का कोई फायदा नहीं होता। इस टिप में गाइस आपको क्या करना रहेगा, आपको फास्टली तरीके से रिलोड करना आना चाहिए गन को। एंड वो कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल दे देता हूँ। तो गाइस अगर आपको कान 98 को नो रिलोड करके कंटिन्यूसली गोली चलाना है, जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल से अपना कोई ट्रेनिंग मोड ऑन कर लो। गाइस ट्रेनिंग मोड चलाने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, ट्रेनिंग मोड में आपको 2 कान 98 लेना है या फिर 2 AWM लेना है। एंड सिंपल से आपको जल्दी से जल्दी गन स्विच करने का कोशिश करना है, जैसे कि गाइस मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर आप जल्दी से जल्दी अपने गन को स्विच करोगे तब आपका गाइस क्या होगा, आपका गन रिलोड नहीं मांगेगा एंड आप कंटिन्यूसली फायरिंग कर पाओगे, जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ अपने गन को जल्दी से स्विच करना आना चाहिए, तब आपका गन रिलोड नहीं मांगेगा एंड आप कंटिन्यूसली फायरिंग कर पाओगे। यही था गाइस हमारा टिप नंबर 3। आई होप गाइज आपको हमारी कान 98 के ऊपर 3 टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कान 98 के ऊपर 3 टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो गाइज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही फ्री फायर गेम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। एंड गाइज अगर हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फ्यूचर में आप तक ऐसी वीडियो पहुँचाते रहूँ। तो गाइज बाय बाय, लव यू, टेक केयर।